हजारीबाग के बरही प्रखंड क्षेत्र के केदारुत में किसानों को एक कंपनी से खीरा का बीज लेना काफी महंगा पड़ गया। सभी जमा पूंजी उनकी पानी में जाती नजर आ रही है। आपको बता दें कि खीरा के उत्पादन के लिए उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी से बीज की खरीदारी की थी, जिसमें रोपाई तो सही हुई, लेकिन जब फ्रूटिंग हुई तो उसमें कोहरा के फल जैसे फूल निकलते दिखाई दिए और सभी खीरा बर्बाद हो गए। कृषि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद उन्हें पता चला कि यह बीज के जेनेटिक प्रॉब्लम है, जिसके कारण इस तरह की परेशानियों का सामना अक्सर किसान कर रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने कंपनी को भी सूचित किया। कंपनी वाले भी उनकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। करीब 9 से 10 लाख की लागत लगाकर उन्होंने बीज को खरीदा था और अब सभी पैसे पानी में जाते नजर आ रहे हैं। ग्रामीण किसानों ने स्थानीय जिला प्रशासन से उक्त कंपनी पर कार्रवाई करने की भी मांग की है और उनका पैसा वापस करवाने की मांग की है। मेरा नाम रमेश कुमार हुआ, भिनार कंपनी का क्रिस खीरा लगाएं, उसमें 2 लॉट का लगाएं, 1 लॉट का 20 पैकेट लगाएं, उसमें फल फ्रूट अच्छा लग रहा है, अच्छा हो रहा है। और जो जिस दूसरा लॉट में लगाएं उससे पैकेट लगाएं, उसमें फल में फूल निकल जा रहा है, फल बिल्कुल ख़राब हो जा रहा है। कंपनी को कंप्लेंट किया, कंपनी को देखने आया, बोला ये है वो है, अंदर फंदा पर निकल गया, लेकिन फल बिल्कुल ख़राब हो गया। अभी तक कंपनी कुछ हाँ या ना जवाब नहीं मिला। हम लोग के लागत लगभग 8 एकड़ लगाएं खीरा, लगभग 9 लाख लागत लग चुका है। उसमें कम से कम अगर बेनिफिट होता तो 10 लाख बेनिफिट होता, पूरा का पूरा नुकसान हो गया। मेरा नाम मनोज कुमार हुआ, मेरा पिताजी का नाम लोकनाथ सा हुआ, और अभी जो है हम ग्राम केदारुत में लीज पे ज़मीन 15 एकड़ ज़मीन जो है लीज पर लेकर के खेती कर रहे हैं, जिसमें 8 एकड़ एरिया में हम VNR कंपनी का क्रिस खीरा किए थे। और क्रिस खीरा करने के बाद जो है इसमें जो है फ्रूटिंग में जो है कुहड़े के फूल जैसा जो है फल निकलने लगा और पूरा प्लॉट जो है मेरा ख़राब हो गया। और जहाँ से हम दाना लिए थे वहाँ पर भी हम इंफॉर्मेशन दिए कि ऐसे ऐसे बात है, पूरा खीरा ख़राब हो गया, और कंपनी का लोग भी कोई ध्यान नहीं दिया, और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और इन लोग पे कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में इस तरह का जो मामला है वो किसान लोग ठगी हो रहे हैं बीज के द्वारा, जिससे इतना लगभग 8 एकड़ में 9 लाख रुपये का लागत हुआ है, और अभी 20 लाख से 25 लाख का इसमें प्रॉफिट मतलब कि उत्पादन मतलब उतना पैसा आता है।